अरे लाइट पे लगा है क्या भाई? मिक्स हो गया भाई, तू बंद कर लाइट। बंद कर सर, लाइट आओ सर। लाइट पे क्वेश्चन सेंड क्यों नहीं किया ये बात? आपने बुलाए नहीं ना, आप आए नहीं इसलिए। मैं तेरा विसर्जन आपने है ना विसर्जन। अच्छा ठीक है ना, लाइट है ना ये? किसका लाइट है? एक बार देख बड़े कितना क्लियर आ रहा है। वाट लग गए, पूरा रेडिश आ रहा है, ये लगाया हुआ है। अरे जरा मजी बैठा यहाँ से करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा, इसलिए जस्ट हाँ प्लीज। विकास मिडल सेंटर लग रहा है और मागवायचं म्हणजे 7-6 झाले की परत मागवायचं। ये मामा तिकडे आत जा, रेंजच्या आत जा, त्याला विचारू ना, सरांना विचारू ना। सर रेंजच्या आत नाही जाऊ शकत आम्ही, फायर नाही करणार ना, खाली फोटो मारून आम्ही परत येतो, फायर नाही, खाली ऍक्शन करतील असे। आम्हाला जवळ पडे मग तुम्ही ऑर्डर द्या ना, जवळ सरांचं होऊन द्या। मग सरांना काही शूट करणार, आम्ही फोटो काढणार, सरांना नाही शूट करणार, सर आम्हाला शूट करतो। ये ना दोन दिन फ्रेम मारे ना, थांब ना। अरे बोलो क्यों आ गया कैमरा? Gracias.
I'll take a stance first and again, you know, sports. ऐक ना कोणाला उभं करू या मध्ये अन्नाला उभं करू आतमध्ये मस्त मारला यार ये कोई ऐसा मिला नहीं फायरिंग रुकाओ करके हम सर को बीच में रखें सर जरा ना फायरिंग था बोल सका आप व्हाट ए शॉट लगा ना देखना ये भरने वाला शॉट अभिषेक पीछे ना जोश आ
नीचे करवा देंगे सी ना आ चल वो अच्छा ये अलाइनमेंट यस दिस इज द अलाइनमेंट यस दिस यू वांट मी फ्रॉम द पिक्चर अरे पण तो फ्रेम मध्ये ना चॅनल ची पोरं म्हणतील छापता जरी हॅव टू बी इन वन लाइन यस दिस वन मेक इट सी दैट असे ना खाली ना रे बोल पाहिजे एक बंदूक घ्या ना इकडे फिल्मी बंदूक पकड पकड के हम लोग को इधर भी रख देते हो सर सर घ्या आपल्याला एकदा शॉट मुलीने घेतलं असतं बरोबर यार छोड ना मग धन्यवाद थैंक यू चलाने के लिए चश्मा निकालना पड़ रहा है बहुत मुश्किल है जो बाजू का गए ना वो भी लोग ने देख लिया स्टील में वो आजू बाजू का नहीं छपे सुना तो अल्लाह साहब दुआ लेते मत एडजस्टिंग क्या करेंगे बेटा बेचारा मिला मिला Where do you get this? Germany. Yes, you can import it. Yes, you can. In fact, I mean, this is a 10 meter. Once you go for 25 meter, then go with real boot ka color mein hai. Wo to ab jitna chalaoge utna aur usme zyada hai. Silence, please. Silence. Yeah. Yeah. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हम सबके इंटरव्यू में हमने अभी यहाँ पे आपको कुछ रूटीन ट्रेनिंग लेते हुए देखा निशाना आपका कितना सही लगा कितना गलत आप लोग बताओ देखो अभी मैंने एक्चुअली डायरेक्टर साहब आनंद को बोला था कि यार पहले मीडिया को आधा घंटा बाद लिया ताकि तब तक मैं प्रैक्टिस कर सकूं उसने पहले बुला लिया तो उस चक्कर में नर्वसनेस में थोड़ा इधर उधर हो गया बाकी गुरुदेव से पूछ सकते हैं आप 10 मिनट में काफ़ी नहीं ये तो बेसिकली अभी तो स्टार्ट है और 10 मिनट के अंदर उन्होंने काफ़ी बड़ी जल्दी कवर भी कर लिया है और आगे चल के अभी उनका ट्रेनिंग सेशन आज से स्टार्ट हुआ है और आगे चल के वो पूरा प्रोफेशनली शूट करेंगे सर सुनील से सुनील साहब कोच का रोल प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए बेदी साहब आए जो दिल्ली में ट्रेनिंग देते रहे तो उन्होंने अभी आज सर को सिखाया है कि भाई कैसे कैसे आप आगे आप कोच का प्ले करेंगे रोल उसमें उनको कैसे कैसे शूटिंग करनी है और शूटिंग सिखाना है तो बेसिकली कोच का किरदार प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऑथेंटिक उसको ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए बुलाया
आई थिंक बेदी सर इज खाली शूटिंग टारगेट और कोचिंग को न ध्यान में रखते हुए भी गन हैंडलिंग जो होता है, गन हैंडलिंग सबसे बड़ी बात होती है एब्सोल्युटली फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव. नोजल कहाँ होना चाहिए, गन शूट के बाद क्या कैसे रखना चाहिए, ट्रिगर हम हमेशा कहीं से भी ट्रिगर उंगली दबा देते हैं हम, क्योंकि हम जो फिल्मों में गन्स चलाते हैं 9mm, आई मीन यू नो डमी बुलेट्स तो हवे में उड़ के, ये सब ये यहाँ नहीं कर सकते. स्टेबिलिटी ऑफ हैंड, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कहाँ से गन, मुझे लग रहा था कि मैं स्ट्रेट नोजल रख के अगर मारूंगा तो सही मारेगा, लेकिन बुलेट कहीं और जा रहा था. तो आई थिंक इट इज इट्स अ टेक्निकल, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया होता है सीखने में. और आप इसीलिए जब सही किसी को एक यू नो कोच किया जाता है तो इतने 7-8 मिनट में 10 शॉट्स में फर्क आ गया. बिल्कुल, यू नो बिटवीन द फर्स्ट शॉट एंड द लास्ट शॉट देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ब्लैक में उसे बुलजाई कहो या जो भी टेक्निकल टर्म्स कहते हैं, लेकिन 3 शॉट लगातार वहाँ लगते गए, विच मीन्स इट्स ट्रेनिंग, इट्स प्रैक्टिस, इट्स कॉन्सेंट्रेशन, इट्स ब्रीदिंग, इट्स एवरीथिंग. खैर उनको भी ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि गन्स के बारे में ऑलरेडी उनको काफ़ी नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है. उनको एमिंग पता है, उनका एमिंग काफ़ी अच्छा है. मतलब जैसे आप 10 शॉट्स में देख सकते हो, उनको पता है बेसिकली साइड पिक्चर क्या है. उनको जो बताया उन्होंने 10 शॉट्स में कवर अप किया उसको, तो इतनी ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी. बाकी फिजिकली वो पूरे फिट है तो उसमें भी कोई एंगल नहीं रह जाता. बाकी जो टेक्निकल इश्यूज है वो उनको ब्रीफ करके ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, उसके बाद वो उनका स्टांस, उसका एटीट्यूड, वो सब कुछ स्पोर्ट्समैन वाला. साथ साथ फिल्म में रहेंगे भी हमारे साथ, तो कहीं भी गलतियाँ, कुछ भी गलती आनंद से हो या मुझसे हो या बाकी की टीम से हो, आई थिंक वो सुधार लाना, उससे एक फिल्म को ऑथेंटिसिटी मिल जाती है. क्योंकि मेरे हिसाब से एक बहुत ही यूनिक कहानी भी है जो आनंद ने सोचा हुआ, यू नो देसी कट्टे जो है, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट. कहाँ एक आर्मी का बैकड्रॉप वाला शार्प शूटर फ्रॉम द आर्मी एंड देसी बच्चों को आई थिंक कोचिंग करना कमाल की बात है. देखिए शूटिंग आई थिंक इज वन ऑफ इंडियाज़ टॉप स्पोर्ट्स टुडे. आज अगर मेडल्स देखेंगे, प्राइड जो इंडिया को अगर कहीं से आ रहा है तो इट्स डेफिनेटली शूटिंग इज वन ऑफ दो स्पोर्ट्स जहाँ एक इंडियन होने के नाते आप बोल सकते हो कि यार हमारी टीम ब्रिलियंट है. या आप अगर रेसलिंग की बात करें आज तो रेसलिंग के बारे में लोग बोलते हैं, बॉक्सिंग के बारे में लोग बोलते हैं, या सो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. क्रिकेट के मैचेस हर रोज़ खेले जाते हैं, हर रोज़ एक टूर्नामेंट जीतते हैं तो 15 दिन के बाद हारते भी हैं. तो ऑफकोर्स इट इज़ लाइक आ नेशनल स्पोर्ट, पीपल आर पैशनेट, वो एक तरफा. एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है. यू नो हाल ही में फिल्म आई थी फरहान और ओम प्रकाश जी की, मेहरा की, आई मीन ब्रिलियंट फिल्म. तो आई थिंक उससे इंस्पायर होके अगर स्पोर्ट्स की फिल्में बने देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा. क्योंकि यूथ जब स्पोर्ट्स की तरफ आ जाता है तो आई थिंक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है. आई मीन मेरे लिए, मैं हमेशा अपने देश के लिए कुछ ना कुछ एक स्पोर्ट खेलना चाहता था, जिस वजह से मेरी फिटनेस बनी और उस वजह से मुझे फिल्में मिली. एक्टिंग के वजह से मुझे फिल्में नहीं मिली, बट बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट, मार्शल आर्ट्स हो या फिजिक के वजह से मुझे वो फिल्म मिली. एंड आई ओ माई करियर टू दैट. तो देख आई थिंक ये एक बहुत ही नॉवल स्क्रिप्ट भी है कि एक दो बच्चे जो वेवर्ड है उनको कैसे देश के लिए उनका हुनर, उनका स्किल देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज़ व्हाट आनंद हैज़ डन. सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑल्सो. टिप्स मैं क्या दे सकता हूँ, मैं सिर्फ मैं जानता हूँ कि सक्सेस को वो हैंडल कर सकेगी. अगर मैं उनसे बार बार, डॉटर हो या सन हो, उसको बार बार यही कहता हूँ कि अगर ये लाइन में आना है तो फ्राइडे को संभालना सीखो. क्योंकि अगर फ्राइडे ख़राब रहा तो उसकी मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी एंड हुई, उसकी मतलब है कि उसका मतलब है कि आपको और मेहनत करना है और आगे ये करना है. बाकी आई थिंक यू नो सेफ हैंड्स में है. प्रोडक्शन हाउस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस, सलमान भाई की पहली प्रोडक्शन कंपनी है, रेशमा उसे संभाल रही है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं.
मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छा ही किया 20 साल में 22 साल में, एक गुडविल जरूर है सुनील शेट्टी की, और उस गुडविल के हिसाब से चले, और फ्रॉम अ एक अपने प्रोड्यूसर्स को समझ के अगर आगे चले तो आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस यू नो ऑटोमेटिकली। आप अगर अपने पेरेंट्स के सबसे अच्छे दोस्त रहे और पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त रहे, मेरी बेटी 21 साल की है, मेरा बेटा 18 साल का है, और आई थिंक माना एंड मी आर द बेस्ट फ्रेंड्स टू माय चिल्ड्रन, बल्कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके उसी दोस्त हैं। जब मेरी बेटी ने कहा कि सडनली वो एमरी कुछ और पढ़ने के लिए जाना चाहती थी और सडनली फिल्म्स की तरफ इंक्लिनेशन दिया दिखाया, तो मैं शॉक्ड नहीं था ना ही सरप्राइज था, मैं बैठा उसके साथ, मैंने समझा कि उसकी सोच क्या, वो क्या करना चाहती है, एंड आई सेड फाइन, यू नो दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो विच यू नो, बाकी इट्स योर लाइफ, गो अहेड एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो आई थिंक पेरेंट्स और बच्चे अगर एक दोस्ती का रिलेशनशिप रखे आज के दौर में, आई थिंक देर इज नथिंग बेटर देन दैट, देन एनी प्रेशर इज नो प्रेशर एट ऑल। आज मेरे पिताजी आई थिंक 80-85 ईयर्स के हैं, मैं शाम को जब घर जाता हूँ तो उनके पास पहले जाके बैठता हूँ, और जो भी मेरे टेंशन है अगर मैं दो बार उनसे बताऊँ और उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तो मुझे जेन्यूनली लगता कि कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक इट्स बेसिकली पेरेंट्स, जब अपने बच्चों में बिलीव करते हैं और अपने बच्चों को बैक करते हैं, देयर इज नो बिगर सपोर्ट देन दैट। डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे, नहीं तो मैं शूट कैसे करूँ। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थैंकफुली एक टाइम ऐसा था जब हम फॉर ग्रांटेड ले लेते यूनिफॉर्म को, पुलिस की यूनिफॉर्म को, या आर्मी हो नेवी हो, बस अच्छा लगे तो चल जाता, लेकिन अभी रैंक लुक पर्सनैलिटी वो जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है आई थिंक। सो साथ साथ एक एक्सपीरियंस कोच, बेरी सर जैसे एक एक्सपीरियंस कोच का रहने का मतलब यही है कि फिल्म ऑथेंटिकली बनेगी, और कहीं क्योंकि स्पोर्ट्स पर बेस्ड है, कहीं भी मीडिया हो या क्रिटिक्स हो बाद में उसकी निंदा ना करे, ना ही शूटर्स निंदा करे, बल्कि दे शुड बी प्राउड ऑफ द फिल्म व्हेन इट इज़ आउट, कि अच्छा है यार यू नो एक शूटिंग पे एक फिल्म बनी, और जो स्पोर्ट एक नेशनल स्पोर्ट जैसा है दैट ब्रिंग्स अस प्राइड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर। आप मिल्खा भाग ने बहुत बड़ा ट्रेंड सेट किया है स्पोर्ट्स को लेकर, तो अभी इस तरह की फिल्मों और भी फिल्में बनने के अभी ऑलरेडी स्क्रिप्ट लोग सुन रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि इस तरह की? आई थिंक इट्स सुपर्ब, आई मीन मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी जिंदगी स्पोर्ट्स में भी बीती है। आज भी जब CCL का सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का दौर शुरू होता है तो 3 महीने पहले से बच्चों की तरह एक्साइटमेंट होता है, यू नो गेम के पहले ऐसे लगता है कि मैं इंडिया के लिए खेलने जा रहा हूँ, बट दैट इज़ वॉट स्पोर्ट ब्रिंग्स आउट इन यू, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो ऑटोमेटिकली वो है, एंड देर इज नो better thing in life than to wear the national t-shirt medal cap, I think usse badhiya kuch nahi, hamesha main kehta hu ki because I was a failed sportsman main actor bana, otherwise my life the only thing I wanted to do koi bhi sport ho represent India. To agar aapko koi bhi sport ka role offer kare to naya director ho to bhi aap iske liye zarur kaam karenge? Of course. लेकिन ये इस फिल्म की खूबी ये और इस सब्जेक्ट की खूबी ये है, देसी कट्ठे यानी दो बच्चे जो बेसिक गन रनर्स हैं और गन की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका हुनर उनकी टैलेंट उनकी टारगेट देखकर उसको लगता है कि अगर ये यही स्किल सही इस्तेमाल हो तो देश के लिए और खुद के लिए प्राइड हो सकता है एंड मेडल विनिंग। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ रूरल टू अर्बन मूवमेंट, क्योंकि हर छोटे शहर में वो हुनर वो टैलेंट है हर चीज में। आज आप इंडिया का टैलेंट देखते हैं तो आप सडनली देखिए ना दो बच्चे जो झलक सभी जगह दिखाई दे रहे, आई मीन दे आर फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी बियॉन्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑल्सो, इंटरनेशनली मैंने बहुत शोज देखे, लेकिन दो बच्चे जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं शायद ही दुनिया में कहीं और हो, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। जी, सब्जेक्ट आपके ज़हन में कैसे? सब्जेक्ट एक्चुअली मेरे पास
जो मेरे राइटर हैं आर्यन सक्सेना वो लेके आए थे और वन लाइनर उन्होंने सुनाया जब मैं ज़िला कर ही रहा था। और जैसे सुनील सर ने बताया कि इतना ब्रिलियंट स्क्रिप्ट है कि यू नो एक छोटे से कस्बे से निकल के वो फिर कहाँ पे उनकी ज़िंदगी जाती है, फिर वहाँ शूटिंग कोच का आ जाना, मतलब उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है, दो गरीब बच्चों की कहानी है बेसिकली। और तो वो जो जर्नी थी ना, उससे हिंदुस्तान में हर आदमी ना रिलेट करेगा। और जहाँ स्पोर्ट्स आता है वहाँ पे और पैट्रियोटिज्म, जैसे सर बता रहे थे कि भाई मैं हमेशा प्ले करना चाहता हूँ, क्यों पैट्रियोटिक्स हैं इंडियंस जो हैं, वो मेंटली दिमाग में उनके ना पैट्रियोटिज्म है। तो वो एक पॉइंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और वो पूरी जो जर्नी है वो इतनी खूबसूरत है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो एक उसी एक मुद्दे पे मैं लास्ट क्वेश्चन सर, सर आपने आपने शुरू से लेके अब तक गली चलाया है, आज गन जब चला रहे थे तो पुराने फ्लैशबैक आपने कुछ सोचा कि वहां तो हां यार वो तो मैं वो मजाक कर रहा था, आज पता चला कि 10 मिनट के शूट में 1 घंटे का वर्कआउट हो गया मेरा, कंसंट्रेशन यू नो फोकस, इट्स मेडिटेटिंग मेडिटेशन सब कुछ आपको हटा के, ऑफकोर्स आज डिस्टर्बेंसेज काफ़ी थी लेकिन अदरवाइज इट्स लाइक मेडिटेटिंग एंड फोकसिंग ऑन वन पॉइंट। आप ब्रीदिंग भी करते हो तो आप जब योगा भी करते हो तो बोलते हैं यहाँ से कोर से सब होना चाहिए, या वेन यू मेडिटेटिंग मेंटली यू हैव टू बी समवेयर, आई थिंक इट्स अबाउट दैट। लेकिन अच्छा लगा क्योंकि आई फेल लाइक अ स्टूडेंट कि किंडरगार्टन में मुझे वापस भेजा गया, क्योंकि बाकी तो ट्रिगर हैप्पी मैं इतना हूँ कि गोलियाँ जब 9 गोलियाँ चला लेता हूँ तो जो फाइटर्स और बच्चे होते हैं, सर चला ली आपने सारी की सारी गोलियाँ इतनी जल्दी फास्ट चलाता हूँ, लेकिन दिस इज़ अ डिफरेंट लीग, इसीलिए वो उस मुकाम पे है जो वो है, यू नो व्हिच इज़ गुड। थैंक यू।